आइए सुनते हैं आज की कहानी, नींद क्यों नहीं आती नवाब को। बात उन दिनों की है जब हमारे देश में राजा और नवाब होते थे। आंध्र प्रदेश में एक नवाब थे, उन्हें अजीब बीमारी हो गई। नवाब सारी रात करवटें बदलते रहते पर आंखों से कोसों दूर रहती नींद। वो बहुत परेशान रहते थे, कभी कभी कुछ देर के लिए आती भी तो अचानक आंख खुल जाती और नींद पता नहीं कहां भाग जाती। उन्हें पूरी रात बैठकर बितानी पड़ती। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। बीमारी की खबर सुनकर दूर दूर से कई डॉक्टर और वैद्य आए। सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की परंतु नवाब को नींद नहीं आई। सब हार गए। नवाब भी निराश हो गया। नींद न आने के कारण नवाब की तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे नवाब बिस्तर से लग गया। वो कुछ नहीं कर पाता था, सारा दिन लेटा रहता, फिर भी उसे पल भर के लिए नींद नहीं आती थी। एक दिन एक आदमी नवाब साहब के पास आया और बोला, नवाब साहब, यहाँ से कोसों दूर एक मिर्जा जी रहते हैं, मुझे लगता है उनके पास आपकी बीमारी का इलाज जरूर मिलेगा। यह सुनते ही नवाब साहब ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, मिर्जा को बुलाकर लाओ, कहना हमने बुलाया है। नवाब साहब के सेवक मिर्जा साहब के घर पहुंचे। मिर्जा साहब खाना खाकर धूप में लेटे कुछ सोच रहे थे। सामने से नवाब के सेवकों को आता देखकर चौंके। एक सेवक ने पास आकर कहा, मिर्जा साहब, हमारे नवाब बहुत बीमार हैं, उन्हें महीनों से नींद नहीं आती, पता चला है आप ही उनका इलाज कर सकते हैं, आपको साहब ने याद फरमाया है। मिर्जा साहब झट से उठे और उनके साथ चल दिए। नवाब साहब के पास पहुंचकर देखा तो हैरान रह गए। नवाब साहब बहुत कमजोर हो गए थे, उनकी आंखें सूजी थी। मिर्जा साहब बोले, लगता है आप काफी दिनों से सोए नहीं हैं। नवाब साहब बोले, आप ठीक कहते हैं मिर्जा जी, जल्दी कोई उपाय निकालो। मिर्जा बोले, मैं आपका इलाज कर दूंगा, परंतु जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना होगा, कोई सवाल नहीं पूछेंगे आप मुझसे, फिर देखिए कैसी नींद आती है आपको। नवाब तो नींद लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मिर्जा बोले, यहां से 5 मील दूर जो मस्जिद बनी हुई है, आप कुछ दिन तक वहां नमाज पढ़ने जाएंगे, लेकिन पैदल वापस भी पैदल आना होगा। एक शर्त ये भी है कि आपको ये काम 1 घंटे में करना होगा। घर आकर आप कबूतरों को अपने हाथ से दाना खिलाएंगे, बस इतना ही काम करना होगा। नवाब तो कभी 2 कदम भी पैदल नहीं चला था, फिर पैदल 5 मील जाना और आना कैसे हो सकता था, मरता क्या ना करता। इलाज तो करवाना था। दूसरे दिन सुबह सुबह नवाब साहब मस्जिद की ओर चल दिए। पूरी स्पीड से जा रहे थे, वहां पहुंचने में उन्हें 25 मिनट लग गए। नमाज पूरी कर चुके तो 45 मिनट बीत गए, अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। नवाब साहब बहुत घबराए, उन्होंने मस्जिद से दौड़ लगानी शुरू की और अपने महल में आकर ही दम लिया। उनकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। सेवक देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ पल सुस्ताने के बाद वे पक्षियों को दाना खिलाने लगे। दाना देखकर आसपास के कई पक्षी वहां आ गए, सब चीं चीं करके शोर मचाने लगे। नवाब साहब को उसमें भीनी भीना संगीत सुनाई देने लगा। नवाब साहब के मन को संतोष भी मिल रहा था। वो वहीं आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए और पता ही नहीं चला कि उन्हें कब नींद आ गई। नवाब साहब घंटों सोते रहे। जब उनकी नींद खुली तो शाम ढल चुकी थी। वो अपने आप को एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। नवाब साहब बहुत खुश हुए। वो मिर्जा साहब को ये खुशखबरी सुनाना चाहते थे और उन्हें इनाम भी देना चाहते थे। अपने सेवकों से मिर्जा साहब के बारे में पूछा तो सेवक ने कहा, वे तो अपने घर चले गए हैं, कल सुबह आने को कह गए। दूसरे दिन सुबह नवाब साहब मिर्जा का इंतज़ार करते रहे, परंतु मिर्जा नहीं आए। नवाब साहब ने देर करना ठीक न समझा और चल दिए मस्जिद की ओर। 1 घंटे में उसी तरह भाग भाग कर गए और नमाज पढ़कर वापस आ गए।
आज भी उनकी नींद शाम को खुली। नवाब साहब ने अपने सेवकों से पूछा, आज मिर्जा नहीं आए क्या? एक सेवक बोला, हुजूर आए तो थे पर आपको सोता देखकर वापस चले गए हैं। हाँ, आपके लिए एक पत्र दे गए हैं। नवाब ने जब वो पत्र खोला तो उसमें लिखा था, नवाब साहब अब आप जान गए होंगे अपना इलाज, आपको किसी और इलाज की जरूरत नहीं है, बस आप शरीर से इतना काम लीजिए कि वो बुरी तरह थक जाए और दिमाग को शांत रखने के लिए दुखियों की सहायता करें, फिर देखिए आपको नींद कैसे नहीं आती। अब नवाब को नींद का रहस्य पता चल गया था, वो मेहनत करते और दीन दुखियों की सहायता भी करते।